ये हमारे बॉबी रॉय साहब आज गाड़ी चला रहे हैं। आज हम लोग नई जगह जा रहे हैं, नहाने की बात हो रही थी। आपने कल क्या किया कुछ बता रहे? दो बार नहा लिया हूँ, तो अगले दो दिन तक जब हम जा रहे हैं जहाँ पे भी वहाँ हम लोग नहीं नहाने वाले हैं। और हमको अभी अंडे खाने हैं, वो डिसाइड कर लिया उन्होंने नहाना नहीं है। हमको भी अंडे खाने हैं, अंडे ज्यादा लेके आए हैं, सामान सारा कुछ हमने 3-4 बैग हमने अंदर रखा है गाड़ी के अंदर, अंडे कहाँ है वो डिक्की में है। अभी निकाल रहे हैं अंडे, ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे करनाल में, ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी दादा निकाल रहे हैं अंडे। देखो टिफिन लेके आए पिंक कलर का, उसमें अंडे और चीज की पूरी थैली है। सो बेसिकली भी चीज डोसा खाया दादा ने, ये हमारे पास होता तो हमको अंदर ही चीज डोसा बना के खिलाते थे दादा, इतनी चीज है हमारे पास। तो कितनी देर के बाद दादा, कितने देर से ड्राइव कर रहे हैं हम लोग? ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया था, इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड सवाल मत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। तो हम ढूंढ रहे थे बर्फ, अभी तक देखिए बर्फ मिली नहीं है, तो अभी धूप बहुत करा रही है यार। वो देखो वो मतलब पर, वो पर। बेसिकली दिल्ली में हमको ज्यादा ठंड लग रही थी यहाँ से कंपैरेटिवली। ये सब फर्जी है, ये सब मैंने ऐसे पहना हुआ है। दादा को देखिए सिर्फ टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो हम लोग सोलन पहुंचने वाले हैं, सोलन का जो शहर है उसका व्यू मैंने दिखाया आपको, और पीछे जो व्यू है देखिए वो सोलन का शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। और दादा मेरी ले रहे हैं फोटो। तो अभी केंद्रा गाड़ी चला रहे हैं, बर्फ दिख गई उनको, तो बर्फ ढूंढने का जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन्होंने केंद्रा को दी हुई है, और गाड़ी भी वही चला रहे हैं, तो दोनों काम वही कर रहे हैं, पहाड़ों में गाड़ी भी चला रहे हैं, बर्फ भी वो ढूंढ रहे हैं। शिमला पहुंचने वाले हैं, बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है, और इस वाले बस के पीछे हम लास्ट आधे घंटे से फंसे हुए। नहीं तो अब तक हम लोग नारकंडा पहुंचा, शाने पेप्सू, पता नहीं पेप्सू क्या होता है। तो देखिए ऐसे बर्फ ढूंढ रहे हैं हम, जैसे कहीं कोने में दिखते ना, देखो देखो बर्फ बर्फ बर्फ, ईद का चांद भी आसानी से दिख जाता है, तो शिमला में बर्फ नहीं दिख रही है। Guys, it's snowing. Wow, it's snowing. It's snowing. I mean, we can't really show it to you. Abhi thodi si snowfall hui, you know. And they have melted on the windshield. And it has snowed, yes. Oh, wow. This is amazing. Abhi tak hum log ro rahe the ki snowfall nahi hai, snowfall nahi hai. Aate hi snowfall. And aate hi snowfall shuru ho gayi. Thodi si piche jab red light pe the hum log, it started to snow. Abhi ruk gayi hai. Matlab, mere ko lag raha hai raat ko hone wale hai. Kya lagta hai aapko? Hi guys, I am in Shimla. And jahan pe snow nahi mil rahi thi, jahan pe dhoop thi, वहाँ पे अब स्नोफॉल शुरू हो गई है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि इट्स स्नोइंग राइट नाउ हियर इन शिमला, एंड इट्स एन वंडरफुल फीलिंग, बहुत मजा आया। कौन से फ्लोर में भी है? सेकंड में जी। ओके गाइज, जस्ट चेक इन टू द होटल रूम, HPDTC का जो गवर्नमेंट होटल है, बेस्ट लोकेशन पे है, वहां पे हम लोग रह रहे हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, काफी डिसेंट सा रूम मिला है हमको, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस 360 व्यू में। ये हमारा बेड है ऑफकोर्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया वुडन वाले वॉल्स है टू यू नो कीप इन द ऑल द वार्म्थ रादर। ये हमारा वॉशरूम है, लुक्स डिसेंट एंड फंक्शनल इनफ। That's me. Hi. So, दो दिन के लिए रहना है, and we have been charged about $2,350, $2,350 a night, which is, I think, a real good deal as far as the prices are concerned. और जिस जैसे जैसे स्नोफॉल बढ़ेगी, जैसे जैसे सारा जो माहौल है व्हाइट होगा, मैं ऑफकोर्स आपको दिखाऊंगा जो जो होता है, you know, it's getting really exciting. In fact, I was really disappointed जब नीचे सोलन पे रुके थे हम लोग इससे पहले कि स्नोफॉल होगी नहीं होगी, शिमला में क्या होगा। But as we started to climb, it got overcast, और अभी snowfall शुरू हो गई है, which is absolutely terrific, guys. तो अभी room tour दे चुका हूँ, अभी थोड़ा सा freshen up हो जाऊँगा, शायद थोड़ा rest करूँ,
या फिर खाना खाने चलूंगा तो आपको भी ऑफ कोर्स ले चलूंगा। सो डे वन है आज मेरे शिमला टूर का, एंड आई होप जो हम वाइट गोल्ड देखने आए हैं, जिसको हम जैसे टूरर्स, हम जैसे ट्रैवलर्स जो वाइट गोल्ड कहते हैं स्नो को, वो आपको मैं दिखा पाऊं और मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर पाऊं। दादा के नए जूते, डी कैथलॉन की बदौलत 4000 रुपए में। ये चढ़ाई जिंदगी है। ये ऐसे होता है ग्रुप व्लॉगिंग। देखिए, मैंने सोचा कि मैं मैनेज कर लूंगा। दैट इज हाउ व्लॉगर्स डू इट। ये गरीबों वाली बर्फ रह गई है। तो हम आए हैं अभी शेरे पंजाब और हमने खाया है बटर तवा मसाला चिकन सब खा लिया है। और ये शेरे पंजाब है, बिल्कुल मॉल रोड के बीचों बीच है, ऑलमोस्ट बहुत फेमस है। मैं तो ऑल सेट हूँ निकलने के लिए, दादा भी ऑल सेट है। दबा के हमने चिकन विकन खा लिया है, पेट तो मेरा फुल हो गया है, फोन भी चार्ज हो गया है फुल ऑलमोस्ट, और खैर बाकी दिल तो फुल ही फुल है यार। तो चलते हैं अभी मॉल रोड की तरफ और आपको दिखाते हैं मॉल रोड का नज़ारा। वी आर एट मॉल रोड शिमला में। पीछे आपको चर्च दिख रहा होगा, केंदा भी दिख रहे हैं। तो मॉल रोड में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, टूरिस्ट काफ़ी है और लोकल्स भी हैं। अभी अभी सनसेट हुआ है वहाँ पे पीछे हमारे, एक सन टाइम लैप्स जो आपने देखा या मैं शायद दिखाऊंगा उसको आपने देखा ही होगा। आई होप यू लाइक इट। आई एम सॉरी माई टंग इज़ स्लिपिंग बिकॉज ऑफ ऑल द कोल्ड, बट बहुत अच्छा वेदर है। अभी बर्फ जब गिरी थी तब इट वॉज रियली नाइस। अभी हमने खाना भी खा लिया, मॉल रोड भी घूम लिया, अभी देखते हैं आगे यहाँ पे कहीं चक्कर मारेंगे। केंदा के कैमरा की बैटरी शायद खत्म हो गई है। हो गई दादा? सोनी है। हाँ, सोनी का कैमरा का बैटरी का बहुत बड़ी एक इश्यू है। सो अभी चलते हैं, अभी थोड़ा चक्कर लगाते हैं, उसके बाद शायद होटल वापस जाएंगे। विल रेस्ट एंड देन कम बैक अगेन फॉर डिनर। विल रेस्ट? यू वोंट? नो। क्या करोगे? काम करूंगा। सो अभी हम लोग व्लॉग कर रहे हैं और दादा की कैमरा जो है उसके बैटरी बहुत ही यू नो मतलब डेड, क्या बोलूँ, तो मतलब वो समझ लीजिए आप, उसको गाड़ दिया हमने। तो अभी व्लॉग कर रहे हैं, दादा कह रहे हैं कल ना हमको शायद रेलवे स्टेशन जाने की इच्छा है, तो हम जाएंगे कल रेलवे स्टेशन, दादा कह रहे हैं। सो गाइज टुमारो विल गो टू रेलवे स्टेशन। उतने में ना उनका बैटरी खत्म हो जा रही है, तो दिस इज हाउ इज व्लॉगिंग। सो गाइज टुमारो आई थिंक विल गो टू रेलवे स्टेशन। हट वो हट जो था वो इसलिए था फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि उनकी बैटरी जो है कैमरा की वो खत्म हो गई है। अभी वो झुक के देख रहे हैं कि कैमरा को फेंको कहाँ से। ये है हमारे देश का तिरंगा और वो है हमारे देश की शान। दादा मेरे को लेके जा रहे दिखाने के लिए स्केटिंग रिंग। That right there is a skating ring. Yes. Which is not under use. अब यहाँ पे आप लोग स्नो देख सकते हैं, कितना सारा स्नो है यहाँ पे। दो दिन पहले जो स्नोफॉल हुई थी वो अभी तक है ऑफ कोर्स। तो जिन लोगों को नहीं पता है शिमला में मेरा जन्म हुआ था। Oh yes, we are at your birthplace. Hi, my birthplace. और ये जो है मॉल रोड, यहाँ पे मेरे को पापा रोज लेके आया करते थे बचपन में। Amazing. और मैं जब यहाँ पे आ रहा था उससे पहले पापा बोल रहे थे मॉल रोड जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं तेरे को बचपन में काफी सालों तक लेके आया हूँ और यहाँ पे रोज मेरे को आना होता था। पापा एवरी डे पापा यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम वर्क। जो वो बता नहीं रहे वो कि वो पापा को रोज मुझे जबरदस्ती लेके चलो। हाँ, मैं बोलता था पापा ऑफिस से आ गए हो, अब मेरे को जाना है मॉल रोड।
पापा कहे चल भाई तुम ऑल रोड चल. सो दिस इज लाइक लिटरली माई बर्थ प्लेस और आई एम हियर टुडे. फील्स गुड. थैंक यू दादा आप आए साथ में, बहुत अच्छा लगा. मैं वहाँ पीछे टट्टी कॉफी पी रहा था, दादा ने बोला मत पिए टट्टी, हम चलेंगे. और नहीं मैंने पहले मैंने अपना सजेस्ट किया. हाँ दादा ने कहा कि नहीं मत पी, वहाँ सीसीडी है, वहाँ चलना है तो वहाँ चल. मैंने सीसीडी और ढूंढ के निकाला. भाई साहब कैफे कॉफी डे वाले अगर देख रहे हैं ना, हमको 10,000 रुपये का कूपन दे ही दो यार. जहाँ भी जाते हैं हम सीसीडी ढूंढ के निकालते हैं. ये ब्रांडिंग देखिए, सारे दिल्ली में जितने कैफे कॉफी डे नहीं है वहाँ सीढ़ियाँ इतनी हैं. कॉफी के बाद तो कैप पहन ली दादा ने, मैंने भी कैप पहन रखी है. अच्छे लग रहे ना, मस्त हैंडसम लग रहे हैं. और क्या, हम लोग हैंडसम हैं. हैंडसम मींस हैंडसम डज. अंडे खा रहे, अंडे खा के फिर विल गो टू द रूम. रात को सुंदर डॉग, नाइस डॉग. ये है सारे होटल्स आसपास. वाओ लुक एट हिम. हेलो हेलो हेलो. लाइक आई वाज सेइंग दिस इज हाउ द मॉल रोड लुक्स एट नाइट. आसपास होटल है सारे एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर एक्स. तो पहुंच गए रूम में और मुझे लगता है कि हाँ किसी तरह पहुंच गए. दादा को टीवी दिख गई है तो दादा कह रहे हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, बिकॉज ना दादा ना मैं दोनों टीवी देखते नहीं है. तो जब हमने टीवी देखा है तो आई थिंक थोड़ा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत भी है. एंड करने से पहले दादा को मैं बता दूँ कि ये कैसे ऑफ करते हैं. दादा अभी के लिए ऐसे एंड करते हैं इसको. तो डे वन का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा. हाँ जरूर लाइक कीजिएगा. पसंद नहीं, हाँ बिल्कुल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. हाँ, और मुझे भी सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल. चलो गाइस टेक केयर. बहुत ठंड है यहाँ पे, मजा आया. थोड़ा खाना एक्सपेंसिव है, गर्मी तापेंगे. गंदी बातें सुनने के बाद मैं दादा लेट गए. मैं ये व्लॉग यहीं एंड करूंगा. इस गंदगी के बाद मैं व्लॉग को और चालू नहीं कर सकता हूँ. तो कल मिलेंगे हम लोग सुबह ठंड में दोबारा से, मजे मारेंगे शिमला में. और कल हमारा प्लान है कि शिमला में और भी जगह घूमना है. तो अभी के लिए हम गर्मी तापते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं. गुड नाइट गाइस, हैव फन, बाय.